بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وفي سبيل الله وفي سبيل الله وفي سبيل الله صدق الله العظيم. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ रेडिकल मैकेनिक्स पढ़ा था और उसमें मैंने आपको कुछ क्लासिफिकेशन बताई कि मैकेनिक्स की ब्रांचेस बताई और आगे उनके सब ब्रांचेस को हमने डिस्कस किया. तो आज हमारा जो आज टॉपिक है प्रॉपर, वो आपकी आउटलाइन के अकॉर्डिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. आपकी आउटलाइन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन स्टूडेंट्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पहले अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है और देन फिर आप लोग जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे. तो कुछ बेसिक थिंग्स है, पहले मैं वो स्टार्ट करवा दूँ आपको ताकि आपके लिए समझना आसान. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए एक टर्म पार्टिकल है. ये पार्टिकल वर्ड आपने पहले भी कई बार सुना हुआ. तो पार्टिकल होता क्या है, अगर हम डेली लाइफ में देखें तो अगर हम किसी विंडो के पास बैठे हुए हैं और सूरज की जो रेज है वो विंडो से अंदर की तरफ रूम में आ रही है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि अगर रूम में फुल लाइट है तो आपको सूरज की रेस के साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी अंदर आते हुए नज़र आते हैं. तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अगर आप उसको हाथ में पकड़ के देखें तो आप उसको नहीं पकड़ सकते. ठीक है, मतलब कहने का कि उसका, उन पार्टिकल्स का कोई साइज नहीं होता, लेकिन उनका डेफिनेट मास ज़रूर होता. ठीक है, जो एक छोटा सा होता है पार्टिकल. अब पार्टिकल जहाँ कहीं पे भी आगे वर्ड यूज होगा तो उसका मीनिंग यही होगा कि अ पीस ऑफ मैटर. अब यहाँ पे वर्ड पहले आया मैटर. मैटर किसको कहते हैं बेटा? मैटर आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो जगह घेरती हो और वजन रखती हो उसको मैटर कहते हैं. अब हमारी डेली लाइफ में मैटर किसको कहेंगे? आप देखें कि अगर आप जिस रूम में बैठे हुए हैं तो उस रूम में जो भी कोई चीज़ है, अगर वो दो चीज़ों को अप्लाई करती है, ओबे करती है, जैसा कि मैंने मैटर की डेफिनेशन बताई कि जो जगह घेरती है और वजन रखती है. अब जगह आप सामने देखें, रूम में कोई बेड पड़ा होगा या आपके रूम में कोई ना कोई जो है वो चीज़ पड़ी होगी, तो आप देखें तो उस चीज़ ने कोई ना कोई जगह घेरी हुई है और उसका कोई ना कोई वजन है. ठीक है, तो इस तरह फिर हम कह सकते हैं हमारी डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं मोस्टली जो है वो मैटर है. ठीक है, और जो हमारे पास पार्टिकल्स भी होता है वो भी पीस ऑफ मैटर होता है. वो पार्टिकल ने भी कोई ना कोई जगह घेरी होती है और उसका कोई ना कोई वजन होता है. ठीक है, इस वजह से मैंने कह दिया कि पहली बात है, जो मैं पार्टिकल समझाना चाह रहा हूँ वो बेसिकली एक मैटर है, उसका एक छोटा सा पीस है. Having definite mass but not size. ठीक है, उसका कोई ना कोई मास होता है लेकिन साइज नहीं होता. सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ज्योमेट्रिकल पॉइंट, तो उसको हम ज्योमेट्रिकल पॉइंट भी कह सकते हैं. अब यहाँ पे वर्ड आ गया है मैस और एक वेट है, तो इसमें डिफ्रेंशिएट जरा थोड़ा सा सुन लें कि बेटा जो मैस होता है उस, वो आप इस ज़मीन पे बैठे हुए हैं या आप जो है वो अर्थ पे चले जाएं, सॉरी आप जो है वो मून पे चले जाएं या जहां मर्जी चले जाएं, आप पहाड़ों पे चले जाएं, तो मैस हमेशा सेम रहता है किसी भी चीज़ का.
ठीक है, और मैस का यूनिट किलोग्राम है। तो इसी तरह से जो वेट होता है अगर एक जगह से दूसरी जगह पे डिफरेंट होता है, जो मैस होता है उसको हम जो है वो जो नॉर्मल बैलेंस होता है उसके जरिए आप मेजर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है जी आप 2 kg शुगर लेके आए मार्केट से, तो आप जाओगे तो आप जब 2 kg शुगर लोगे शॉपकीपर से तो वो जिस चीज़ के ऊपर 2 kg शुगर आपको नाप के देगा वो क्या होगा, एक फिजिकल बैलेंस है, ठीक है। और वो फिजिकल बैलेंस जो है वो आपके मास को बताता है। अब वही 2 kg चीनी जाके केपी के पहाड़ों के ऊपर जाके आप ले जाके तो तब भी वो 2 kg चीनी की दो उसका मास सेम रहेगा, ठीक है। और इसी तरह आप जो है वो कहीं और पे भी चले जाओ तो मास सेम रहेगा। बट अगर आपके पास उस 2 kg चीनी का आप शुगर का वेट चेक करना चाहते हो तो वो डिफरेंट होगा, ठीक है। और वेट को चेक करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं, ठीक है। और स्प्रिंग बैलेंस आपने अक्सर देखा होगा कि जो है वो अभी मेरे पास यहाँ पर डायग्राम तो नहीं बनी, एक स्प्रिंग होता है उसके नीचे हुक सी लगी होती है तो उसके साथ हम चीज़ को अटैच कर देते हैं तो वहाँ से हम फिर उसका चेक कर सकते हैं कि उसका वेट कितना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था वेट और मास में। अब वेट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, अब पहाड़ों पे जाएं तो वहाँ पे वेट किसी चीज़ का मुख्तलिफ होगा, ज़मीन की जो गहराई में चले जाए तो वहाँ पे वेट कुछ होगा और होगा, ठीक है। तो ये बीच में वेट और मास का मैंने भी कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, और मैटर भी बता दिया और पार्टिकल भी बता दिया। असल चीज़ पार्टिकल थी कि पीस ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट मास बट नो साइज, ठीक है। अब साथ ही रिजिड बॉडी एक टर्म है वो भी आपको बताना चाहिए। द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स अनचेंज्ड वेदर द फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। तो बच्चों हमारे पास रिजिड बॉडी क्या होती है कि अगर हमारे पास कुछ पार्टिकल्स एक जगह पे पड़े हुए हैं तो उस पर हम अगर फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स लगाने से अगर तो वो पार्टिकल्स अपनी जगह तब्दील नहीं करते, अनचेंज्ड रहते हैं, ठीक है। तो देन हम वी कैन से दीज पार्टिकल्स नोन एज रिजिड बॉडीज, ठीक है, ये रिजिड पार्टिकल्स। लेकिन मैंने पहले भी लास्ट टाइम बताया था कि ये रियल लाइफ में रिजिड पार्टिकल कोई भी नहीं है। अगर एक्चुअल फेज में देखा जाए हर चीज़ को किसी न किसी फोर्स पे जाके हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। हत्ता कि सबसे ज़्यादा जो जो हमारे पास हार्डली वो थिंग है वो डायमंड है। तो डायमंड को भी स्टूडेंट्स हम जो है वो अगर हाई टेम्परेचर पे जाके या डिफरेंट आजकल जो है वो चीज़ें आई हुई हैं लाइक जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके जरिए हम उसको काट सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसका मतलब कि जो रिजिड बॉडी है वो आइडियली एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन फिर हम रिजिड बॉडी को फिर अपने प्रॉब्लम्स में कैसे यूज़ करेंगे, तो फिर रिजिड बॉडी को अपने प्रॉब्लम्स में यूज़ करने के लिए हम उसको एक खास फोर्स पे कहेंगे कि वो रिजिड बॉडी है। जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि अगर हमारे पास एक दीवार है, जैसे आप अपने रूम में बैठे होंगे वहाँ पर सामने दीवार है, तो उस दीवार पे अगर आप हैंड से फोर्स लगाएं तो वो दीवार नहीं गिरेगी। तो इसका मतलब है कि आपके हैंड की फोर्स तक वो रिजिड बॉडी है। अगर आपको पता है थोड़े से हमारे उसकी दीवार पे फोर्स तो हो सकता है 50 न्यूटन तक या 60 न्यूटन तक वो 50 न्यूटन तक दीवार वो ना टूटे, लेकिन जो ही आप 51 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे तो वो फौरन से दीवार टूट जाएगी। तो वी कैन से एट 50 न्यूटन फोर्स दिस वॉल इज अ रिजिड बॉडी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वो रिजिड बॉडी है। अब नेक्स्ट जो है वो आपको जो आपकी KL मीर की बुक थी स्टूडेंट्स, तो वहीं से आगे जो है वो एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स लिखा हुआ था वहाँ, ठीक है। तो उस न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ये 2 बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो कि जो यूज होती थी, तो मैंने वो आपको बता दी। अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स में स्टूडेंट्स क्या होता है, 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेस टाइम एंड मास, ठीक है। और यहाँ पे भी 3 बता दिए, आगे जाके चौथी भी डिस्कस हो जाएगी, स्पेस टाइम मैस एंड फोर्स। बेटा न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। पहली बात है यहाँ पे कि ये जो 3 चीज़ें हैं स्पेस टाइम एंड मास आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली है कि स्पेस टाइम एंड मैस ये आपस में किसी भी तरह डिपेंड नहीं करते एक दूसरे के ऊपर,
स्पेस के अंदर आप किसी तरह से भी डिस्टेंस लिखें, आप जो है वो डिस्टेंस जो है वो सेंटीमीटर में लें, आप मीटर में लें, जिस तरह भी लें, वो डिपेंड नहीं करेगा टाइम के ऊपर कि आप अगर टाइम बढ़ा दें तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, टाइम कम कर दें तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी तरह मास अगर आप ज़्यादा कर दें कम कर दें तो टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा ना स्पेस पे कोई इफेक्ट होगा। तो इस वजह से ये तीन चीज़ें जो है वो इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। हाउएवर द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स थ्रू फंडामेंटल इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द ईच अदर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो ये फोर्स है जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फंडा वो क्या करते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होता इन तीन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो मतलब कहने का कि अगर मैं फोर्स बढ़ाऊंगा तो जो स्पेस के अंदर दो पार्टिकल्स पड़े हुए हैं उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, जब पोजीशन चेंज होगी बच्चों तो देन फिर वो जाहिर बात है कि उनका जो डिस्टेंस निकालेंगे तो वो कम होगा, अगर वो पोजीशन चेंज ना करवाए तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब कहने का कि फोर्स डिपेंड कर रही है स्पेस के ऊपर, इसी तरह से फोर्स डिपेंड करेगी टाइम और मास के ऊपर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो अभी मैं आपको यहाँ से पढ़ाने लगा हूँ असल हमारा टॉपिक है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो मैंने लेक्चर के शुरू में आपको बताया था, लेकिन अभी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ने की बजाय हम पहले समझते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ये के एल मीर की बुक है पेज नंबर 05 के ऊपर जो टॉपिक लिखा हुआ है, मैं वहाँ से जो है वो इसको थोड़ा सा स्टडी करवाने लगा हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपल क्या होता है, ठीक है। सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, अब बच्चों आपको वर्ड से क्लियर होना चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि हमारे पास कोई ना कोई फ्रेम है और उस तक किसी के लिहाज से रेफरेंस बताना है, मतलब उस फ्रेम को हमने रेफरेंस मान के किसी चीज को बताना है कि वो इस फ्रेम से कितनी दूर है या करीब है, ठीक है। तो इसकी मैं प्रॉपर डेफिनेशन बता देता हूँ, दोज कोऑर्डिनेट हुज रिस्पेक्ट वी डू ऑल मेजरमेंट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कहने का किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके रिस्पेक्ट हम सारी मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके रिस्पेक्ट हम सारी की सारी मेजरमेंट करते हैं बच्चों को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, ठीक है। अब वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो किसी ना किसी चीज़ के अंदर तो पड़ा होगा, ठीक है। तो हम कह देते हैं कि वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे ये मैंने बनाया ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस जेड एक्सिस है और यहाँ पर मैंने एक जो है वो बी बॉडी लिखा हुआ एक पॉइंट है, ठीक है। मिसाल को समझाने के लिए बॉडी है, ठीक है। तो ये बॉडी जो है वो उसकी मेजरमेंट मैं कर रहा हूँ इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से। लेकिन अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम किस चीज़ के अंदर पड़ा हुआ है, ये एक रिजिड बॉडी के अंदर पड़ा हुआ, ठीक है। अब तो उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। बेटा इसकी मिसाल एक सिंपल सी एग्जांपल है जो कि आगे जाके मैं आपको एलैबोरेट करूँगा। जैसा कि ये अब देखना है कि अगर हमारे पास अर्थ है, आपकी ये ज़मीन जो है, ठीक है। अब इस ज़मीन के अंदर आपको पता है कि ये ज़मीन जो है वो मूव करती है, ये हमें पता है कि ज़मीन दो तरह से मूव करती है, एक अपने एक्सिस के गिर्द भी मूव करती है और सेकंडली ये डिफरेंट प्लैनेट्स के गिर्द भी मूव करती है, ठीक है। लेकिन अब बच्चों आपने देखते हैं कि अब आप अगर रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो रूम में आप देखते हैं कि हमें तो बात पड़ी हुई है कि ज़मीन मूव करती है, अर्थ मूव करती है, लेकिन अब मुझे मूव करती नज़र नहीं आ रही। क्यों नज़र नहीं आ रही? क्योंकि मैं उस ज़मीन को आप समझ रहे हैं कि रिजिड बॉडी है, कि मैं उस रिजिड बॉडी के अंदर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। और अगर मैं कमरे की बात करता हूँ तो कमरे को आप कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ लें, ठीक है। तो उस कमरे के अंदर जो आप लोग बैठे हुए जो मैं बैठा हुआ हूँ, तो स्टूडेंट्स उसके लिहाज से हम क्या हैं, रेस्ट में हैं। इस वजह से हमें फील नहीं होता कि हम जो है वो मूव कर रहे हैं। इसी की एग्जांपल एक और तरह से देख सकते हो कि आप देखते हो एक बंदा जो है वो ट्रेन में बैठा हुआ है, तो ट्रेन का डब्बा अगर मैं कहता हूँ कि एक रेफरेंस है, ठीक है, और उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट अगर वो अंदर वाले ट्रेन के बंदों को देखे तो वो हम कह सकते हैं कि वो रेस्ट में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर वो ट्रेन
के डब्बे से बाहर की तरफ मूव करें तो वो भी एक रेफरेंस है, लेकिन वो बाहर वाले रेफरेंस के लिहाज से वो मोशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो भी यही बात कर रहे हैं। जैसे अब आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप एक एग्जांपल अपने जहन में रख लें कि ट्रेन का जो डिब्बा है वो एक आपके पास जो है स्टूडेंट्स वो रेफरेंस डिब्बा है, ठीक है। अब उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट आप उस ट्रेन में अदर पैसेंजर्स के रिस्पेक्ट वेस्ट में हो, और उस ट्रेन के डिब्बे के बाहर अगर आप देखें तो एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस जनरेट हम कर सकते हैं, और अगर उस जो डब्बे से बाहर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जनरेट करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट हम जो है वो इन मोशन है, ठीक है। तो ये रेफरेंस अब आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो देना चाहिए, ठीक है। अब सेकेंडली स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं। बेटा पहले सिंपली मैं वर्ड इनर्शिया बताता हूँ, इनर्शिया हाँ होता क्या। इनर्शिया आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल एक साइकिल मूव कर रहा है, ठीक है, आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, अब आपके सामने कोई आदमी आ जाता है जो आपको रोकने की कोशिश करता है, जो आपको रोकने की कोशिश करेगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपका साइकिल रुकने की कोशिश नहीं करेगा। सारी बात है, बंदा सामने खड़ा है वो आपको हाथों से पकड़ कर रोकने की कोशिश कर रहा है साइकिल को, लेकिन आपका साइकिल एक लम्हे के लिए वो रुकने की कोशिश नहीं करेगा। आप नॉर्मल साइकिल से चला रहे हो स्पीड से, ठीक है, तो वहां पे आपका साइकिल थोड़ी सी रेजिस्टेंस करेगा उस आदमी के ऊपर जो कि साइकिल को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो अब जो रेजिस्टेंस लगा रहा है, जो फोर्स लगा रहा है साइकिल आपका उस पर्सन के ऊपर, तो वो इनर्शिया होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम सीख रहे हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब मैं दोनों चीजों को मिलाता हूँ बेटा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पहली बात है कि नॉन एक्सेलरेटेड भी कहते हैं, या फिर आपकी बुक में लिखा होगा अन एक्सेलरेटेड, वो मैंने लिखा नहीं बट यहाँ पे वाके जाके आ जाएगा, वो भी कहते हैं, ठीक है। अब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आइडियली, कि आइडियली कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा नहीं है जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, बेटा ये बात ध्यान में रख लें, आइडियली कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा नहीं है जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, क्योंकि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चों जो होता है वो नॉन एक्सेलरेटेड होता है। नॉन एक्सेलरेटेड मतलब कि वो फिक्स होता है, मतलब कि वो उसमें जो है वो उसके वो मूव नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो मैं इसकी मिसाल अगर देता हूँ, आपके पास अर्थ की मिसाल देते हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की कि ये अर्थ जो है, ठीक है, इसमें वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनको हम फिक्स कंसीडर करते हैं, वैसे प्रैक्टिकली कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स नहीं है। जैसा कि अर्थ है तो अर्थ भी बेसिकली मूव कर रही है, ठीक है, अर्थ भी बेसिकली स्टूडेंट्स मूव कर रही है, लेकिन उस अर्थ के अंदर जैसे मैंने बताया आपको, आप अगर रूम में बैठे हुए हैं तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर आप ये कह सकते हो कि उस के रिस्पेक्ट जो है वो हम कह सकते हैं कि वो आपका रूम के रिस्पेक्ट, आप और आपके सामने जो टेबल पड़ा हुआ है, ये जो आपके सामने की पर्सन खड़ा हुआ है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ऐसा कोई भी नहीं सिस्टम है जो कि जनरली हम कह सकते हैं कि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपली आप कह सकते हो कांस्टेंट मोशन या एट रेस्ट, उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे। कांस्टेंट मोशन और एट रेस्ट, उसको हम इनर्शियल फ्रेम कहेंगे, ठीक है। अब इसी तरह जो न्यूटन्स के सब लॉज हैं स्टूडेंट्स, जो न्यूटन के सब लॉज हैं जो कि आपने 9th class में 3 laws पढ़े थे बेसिक, के वो इनर्शियल फ्रेम के अंदर है, ठीक है। जो न्यूटन ने जो लॉज बताए थे उस वक्त, जैसे पहला लॉ बोला था कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एग्जिस्ट ना करे, फोर्स ना लगाए, या कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी जब तक हम उसके ऊपर फोर्स ना लगाए, ठीक है। इसी तरह दूसरा कानून था F=ma, थर्ड था एक्शन और रिएक्शन जो है वो सेम होते बट ऑपोजिट डायरेक्शन होते हैं। तो ये सारे के सारे 3 laws जो हैं ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर उसने बताए थे, लेकिन उसका ये जो 3 laws हैं फेल हो जाते हैं उस वक्त
कि अगर हम नॉन इनर्शिया फ्रेमवर्क रेफरेंस में जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है, कि उसके जो तीन लाज हैं वो इनर्शियल फ्रेमवर्क रेफरेंस के अंदर ठीक है। मतलब कहने का, जैसे जमीन में बता रहा हूँ, तो जमीन के अंदर आप अगर उसको ओवरऑल घूमती हुई उसको ना देखें, आप फर्ज कर लें कि जमीन रेस्ट में है, ठीक है, और आपके लिहाज से जो सामने बॉडी मूव कर रही है या आपके लिहाज से जो है वो आप मूव कर रहे हो, सामने जो ट्री लगा हुआ है वो रेस्ट में है, ठीक है, या आप रूम में बैठे हुए आपके लिहाज से जो है वो सामने जो आपके बेड पड़ा वो भी रेस्ट में है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये सारे लाज इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर जनरली बात करूँ कि जो है वो लॉज ऑफ न्यूटन जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में के लिए ट्रू नहीं होते, ठीक है। तो ये जितनी भी बातें मैंने अभी आपके साथ की हैं, ये सारी की सारी क्लासिकल प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटिविटी के थे, ठीक है। ये सारी बातें मैंने प्रीवियस भी की थी, अब कुछ एक्सटेंशन कर दी थी मैंने बातें, ये सारी की सारी क्लासिकल प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटिविटी में, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो वहां पे हम कैसे उसको डील करेंगे, वहां पे आइंस्टाइन की थ्योरी यूज होगी, रिलेटिविस्टिक थ्योरी, ठीक है। तो अभी मैं ये जो के एल मीर की बुक पे जो मैंने जितनी भी बातें आपसे की हैं वो सारी की सारी बातें के एल मीर का जो पेज नंबर 5 है वहां पे लिखी हुई है, वो मैं यहाँ इस पे भी स्क्रीन पे भी शो हो रही है, वो आप ज़रा मैं रीड करता हूँ तो आप सुनते जाइएगा, आपको समझ आ जाएगी सारी बातें मैंने वही की हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है। लेट्स सी, मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। These laws are usually stated without explicitly discussing the role of frame of reference. Okay? It is to be emphasized that Newton's laws are not valid with respect to every frame of reference. For example, they are not true in a rotating frames or coordinate system. ठीक है, कोई बात के वो rotating frames और या coordinate system के लिए Newton's law fail हो जाते हैं। They hold only in a restricted class of frames. Restricted class of frames के लिए सिर्फ Newton's जो है वो ये जो क्या कहते हैं Newton's law hold करते हैं। Such a frame is assumed to be unaccelerated या non-accelerated, जो मैं पहले बात कर चुका हूँ उसको कहते हैं, neither moving in a straight line with variable velocity or nor rotating. मतलब कहने का जो Newton's laws मैंने आपको बताए हैं तीनों के तीनों वो जो है वो एक फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ही ट्रू होते हैं, किसी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ट्रू नहीं होते। जैसे मैंने अर्थ की एग्जांपल बार बार दे रहा हूँ आपको कि बच्चों अर्थ भी बेसिकली अगर जनरल बात करें तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं कि अगर आपके पास कोई फिक्स्ड अगर कोई आपके पास वो सिस्टम जो है वो बॉडी रेस्ट में है जो आप या कांस्टेंट मोशन कर रही है जिस फ्रेम के अंदर आप बात कर रहे हैं, मतलब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अगर वो आपके पास रेस्ट में है फ्रेम ऑफ रेफरेंस या वो कांस्टेंट मोशन में है, सिर्फ और सिर्फ तब इनर्शियल फ्रेम जो है वो यूज होता है। तो अब डेली लाइफ में जनरली अगर देखा जाए तो कोई भी बॉडी एट रेस्ट या कांस्टेंट मोशन में नहीं है जिसको मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो अर्थ भी है बेसिकली वो भी स्टूडेंट्स जो है वो क्या है वो भी मूव कर रही है, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स इट इज सपोज्ड टू बी एब्सोल्युटली एट रेस्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एन एब्सोल्युट एट रेस्ट फ्रेम, ठीक है। वी कैन इजीली सी दैट इफ एस इज एन इनर्शियल फ्रेम देन एनी अदर फ्रेम एस डैश which is in uniform motion relative to S is also an inertial frame. अगर हमारे पास S inertial frame है then उसके लिहाज से अगर कोई दूसरा uniform motion में any other frame जो के uniform motion में move कर रहा है relative to the S then उसको भी हम inertial frame बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो मैंने बातें की हैं students वो सारी की सारी inertial frame of reference के respect बात की। अब जो शाम series में मैंने book बताई थी आपको मरी आर मैरी की बुक बताई थी, मैरी की बुक में जो तकरीबन चैप्टर नंबर 1-5 है स्टूडेंट्स वो तमाम जो है वो उसमें जितने भी रेफरेंस यूज किए गए हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो सारे के सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं या इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट बात की है। पहले 5 चैप्टर्स में
जो मैरी की बुक में यही बात की गई है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट। अब आप कहेंगे सर वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप तो बता रहे हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बच्चों वो आइडियली एग्जिस्ट नहीं करता, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ अर्थ है, अर्थ वैसे मूव करती है लेकिन हम उसको जनरलाइज स्टडी नहीं कर रहे। हम यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम के अंदर हम उसको एक लिमिटेड रिसोर्स में स्टडी कर रहे हैं कि हम अगर आप जो है वो किसी रूम में बैठना बार बार साल देना रूम में बैठे हैं तो उस रूम के बाहर जो आपको चीज नजर आ रही है आप उस रूम को रेफरेंस मान लें कि वो रूम जो है वो एट रेस्ट है, सारी बात है वो रेस्ट में ही है। तो उसके लिहाज सामने जो चीज है वो क्या है, वो मूव कर रही है या फिर रेस्ट में है, तो उतनी चीज को आप जो है वो डील कर सकते हो। लेकिन जनरल अगर कहा जाए कि जी आप डील करें तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फेल हो जाता है। और न्यूटन्स के लॉज भी सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड रिसोर्स के लिए थे, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो आपने नाइन्थ टेंथ में और ये बीएससी में पढ़े हुए हैं ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड रिसोर्स के लिए थे, जनरल के लिए नहीं। अब हमारा जो सिलेबस का जो एक्चुअल टॉपिक है वो स्टूडेंट्स हैं जो आपकी बुक है मैरी की शाम सीरीज में, वो उसका चैप्टर नंबर 6 जो है, पहले 5 तो नेचुरल फ्रेम पर है लेकिन जो चैप्टर 6 है उसका नाम है मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसमें पहला टॉपिक लिखा हुआ है नॉन इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम और यही आपकी आउटलाइन में भी पहला टॉपिक नॉन इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो नॉन इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम को बच्चों हम जो है वो जो बुक आपके आउटलाइन में लिखा होगा वहाँ पे एक्सेलरेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखा होगा। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो है वो एक्सेलरेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। जो नॉन इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें अगर हम देखते हैं तो स्टूडेंट्स जो इसमें बताया गया है कि फर्ज करें कि हमारे पास कोई पार्टिकल जो है वो जमीन पे मूव कर रहा है, तो जारी बात है कि आपको पता है कि वो अर्थ जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो अर्थ जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट हम उसको जनरलाइज नहीं देख सकते। तो अर्थ क्योंकि खुद से मूव कर रही है लेकिन हम उसको फिक्स कंसिडर कर रहे हैं, तो इस केस में जारी बात है अगर मैं उसको फिक्स कंसिडर करूंगा तो उसमें कोई ना कोई एरर आ जाएगा, तो फिर हम उस एरर को तो फिर हम उसको किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम की ऐसी जरूरत पड़ेगी कि हम उसको डील कर सकें। तो उसके लिए हमें रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है या इसको बोलते हैं मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ठीक है, अब मैं मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्रॉपर स्टार्ट करता हूँ लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे फिर कि नॉन इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। नॉन इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऐसा सिस्टम जिसमें रेफरेंस आपका मूविंग पोजीशन में हो। ठीक है, अब रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम ये मैरी की बुक पे चैप्टर 6 में तरतीब वाइज की सारा कुछ दिया हुआ है वहाँ पे। तो अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो रोटेट कर रहा है उसके रिस्पेक्ट हम चीज़ों को डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे मैं ड्रा करूँगा। ठीक है, एक मेरे पास कैपिटल एक्स ये वाला, ये कैपिटल वाई और ये कैपिटल जेड, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब कि जब भी इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब इनर्शियल का वर्ड आ जाए तो मतलब कि आप समझ रहे हैं कि आपने आपके पास ये सिस्टम जो है वो फिक्स है, ये रेफरेंस ये जो इस कोऑर्डिनेट के अंदर जो चीज़ों को देखेंगे वो जो कोऑर्डिनेट है वो फिक्स है और उसके अंदर बॉडीज मूव कर सकती है। इसी तरह से
जो दूसरा मैं ले रहा हूँ यहाँ पे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और स्मॉल जेड, ये भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये, लेकिन ये रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, जो कि जिसको हम नॉन इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। तो एक ये रेफरेंस है एक्स वाई जेड, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड। तो अब हमने ये किया कि मैंने एक यहाँ पे एक ए वेक्टर लिखा जो है वो सिस्टम के अंदर। अब ये ए वेक्टर जाहिर बात है कि वो फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भी होगा, जिसको इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा है, और वो मूविंग के अंदर भी होगा। लेट्स सी, देखते हैं इसमें क्या होता है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम देखेंगे जो मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, ये जो मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है या मूविंग जो रेफरेंस है यहाँ पे इस सिस्टम का, इसको हम देखेंगे मैथमेटिकली फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड एट द ओरिजिन ओ, ठीक है। लेट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड denote an inertial coordinate system with origin O, ठीक है, which we shall consider fixed in space, ठीक है। वही बात जो मैंने अभी बताई कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेकिन वो इनर्शियल है, मतलब इनर्शियल का कि वो फिक्स है स्पेस के अंदर। लेट द कोऑर्डिनेट सिस्टम स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड हैविंग द सेम ओरिजिन O, मतलब वही सेम ओरिजिन है लेकिन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड जो है वो रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, मतलब जो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उसके रिस्पेक्ट ये स्मॉल वाला जो है ना वो मूव कर रहा है, लेकिन दोनों का जो सेंटर पॉइंट है वो ओरिजिन ओ पे ही है, ठीक है जी। कंसिडर वैक्टर ए विच इज चेंजिंग विद टाइम। अब हमने कहा कि हमने यहाँ पे एक वेक्टर ए को कंसीडर किया जो कि टाइम के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है, ठीक है, टू एन ऑब्जर्वर फिक्स्ड रिलेटिव टू एक्स वाई जेड सिस्टम द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब यहाँ पे इसका जो कंपोनेंट आएंगे ए वेक्टर के वो ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के इज फाउंड टू बी, ठीक है। वो क्या होगा कि हम देखेंगे कि इस वेक्टर ए का डेरिवेटिव लेंगे टाइम के रिस्पेक्ट, और वो किसके अंदर देख रहे हैं, मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर देख रहे हैं। अभी मैं जो बच्चों बात कर रहा हूँ, जो वेक्टर ए लिया, पहली बात है कि आपको ये समझना होगा कि वेक्टर ए जो है विच इज चेंजिंग विद टाइम, जो वेक्टर ए है वो टाइम के रिस्पेक्ट चेंज होता है। मैंने यहाँ पे नहीं बोला कि वेक्टर ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के अंदर है या नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है। इनर्शियल फ्रेम की जब बात कर रहा हूँ तो मतलब क्या है, फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कहा हुआ है, और नॉन इनर्शियल की बात कर रहा हूँ तो मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड है। तो ये वैक्टर ए ये दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है, लेकिन मैं वैक्टर ए की अब मैं देखना चाहता हूँ कि वो मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से जब टाइम चेंज होगा तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो टू एन ऑब्जर्वर फिक्स रिलेटिव टू एक्स वाई जेड सिस्टम द टाइम रेट ऑफ चेंज, तो फिर जब जारी बात है कि हम टाइम रेट ऑफ चेंज आ जाएगा, तो पता है जब रेट ऑफ चेंज की बात की जाए ना बच्चों, तो फौरन से समझ लेना चाहिए कि वो डेरिवेटिव की बात हो रही है, कि आपको डेरिवेटिव लेना होगा। तो मैं डेरिवेटिव लिया इस वेक्टर का, तो बच्चों मेरे पास ये बन जाएगा कि डी ए वन ओवर डी टी आई कंपोनेंट प्लस जे कंपोनेंट प्लस के कंपोनेंट, इसको वेक्टर हमने इक्वेशन वन का नाम दे दिया, वेयर यहाँ पे एम जो है जो सबस्क्रिप्ट में आ रहा है, बेटा जो चीज़ नीचे लिखी हो ना वो सबस्क्रिप्ट होता है, जो चीज़ ऊपर लिखी हो ऐसे किसी चीज़ के तो वो सुपरस्क्रिप्ट होता है। तो यहाँ पे जो एम है सबस्क्रिप्ट है इंडिकेट्स द डेरिवेटिव इन द मूविंग स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड सिस्टम। अब यहाँ पे एम जो है वो इंडिकेट्स करता है द डेरिवेटिव को, ये डेरिवेटिव को शो करता है कौन से, इन द मूविंग एक्स वाई जेड सिस्टम। तो अभी जो मैंने रिलेशन लिखा है जो वेक्टर ए का टाइम के लिहाज से वो जो है वो मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बात की हुई है, ठीक है। हाउएवर द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेक्टर रिलेटिव टू द फिक्स्ड एक्स वाई जेड कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड सिस्टम सिंबलाइज्ड बाय द सबस्क्रिप्ट एफ इज फाउंड टू बी।
तो वो ये कह रहा है कि अगर मैं टाइम वेक्टर ए को मैं फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो उसको फिर हम ऐसे लिखेंगे, मतलब उसकी चेंजिंग की बात करें तो वो ऐसे होगा डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर टाइम के लिहाज से, लेकिन वो फिक्स है, ठीक है, फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर देखने तो उसका रिलेशन जो बनता है वो ये बनता है कि डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर टाइम के लिहाज से मूविंग प्लस ओमेगा क्रॉस ए। अब ओमेगा आपको पता है, यू नो वेरी वेल कि ये एंगुलर वेलोसिटी है और ए वेक्टर आपको पता है, ठीक है, और ये जो चीज़ हमने बात की रिलेशन ये बनाया है ये फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अभी आपको ये सिस्टम को समझ आ गया कि वेक्टर ए का आपने डेरिवेटिव लिया तो आपके पास मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बात हो गई, लेकिन जब हम फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बात करते हैं वेक्टर ए की तो उसका रिलेशन ये बनता है, ठीक है, पहले वो फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला रिलेशन किसके इक्वल आता है, एक मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस ओमेगा क्रॉस ए इसके इक्वल आता है। तो बच्चों अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि अब ये रिलेशन बनता कैसे, ये रिलेशन बच्चों बनता कैसे है, तो इसको आप प्रूफ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि नेक्स्ट लेक्चर में कि इसका प्रूफ कैसे करते हैं कि ये कैसे जो है वो फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जब वेक्टर ए का रेट ऑफ चेंज लेते हैं टाइम के लिहाज से, रेट ऑफ चेंज भी डेरिवेटिव, ठीक है, तो वो किस तरह इक्वल होता है, वेक्टर ए का रेट ऑफ चेंज इक्वल टू मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से प्लस ओमेगा क्रॉस ए, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं हम एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस वेक्टर ए के साथ, किस तरह बनता है ये इक्वल किस तरह बनती है सारी, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की टर्म आई है तो एंगुलर वेलोसिटी में बता दूँ कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंपल वेलोसिटी क्या होती है। बच्चों सिंपल वेलोसिटी यू नो वेरी वेल रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चे अक्सर परेशान होते हैं कि रेट ऑफ चेंज मतलब क्या होता है, बेटा रेट ऑफ चेंज का मतलब कि किसी भी चीज़ का टाइम के लिहाज से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि टाइम के लिहाज से चेंज आए, किसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट के अंदर आए, तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी के आगे जो हम बात कर रहे हैं तो दो तरह से है, एक लीनियर वेलोसिटी होती है, एक एंगुलर वेलोसिटी होती है, जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी की है। अब लीनियर वेलोसिटी क्या होती है कि अगर रेट ऑफ चेंज इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर वही डिस्प्लेसमेंट तब्दील हो रहा है टाइम के लिहाज से एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, देन इट विल बी लीनियर वेलोसिटी, और उसका फार्मूला क्या होगा मैथमेटिकली, वेलोसिटी v इज इक्वल टू जो वेक्टर क्वांटिटी है ds वेक्टर ओवर dt, s यहां पे क्या है डिस्प्लेसमेंट है। और एंगुलर वेलोसिटी में क्या होगा, इफ द रेट ऑफ चेंज इन एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देन इट विल बी एन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे शो कर रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कि वो सर्कल में मूव करेगा, तो टाइम के लिहाज से जब देखेंगे तो वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगा। स्टूडेंट्स होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर देन राइट इन कमेंट बॉक्स और इन व्हाट्सएप ग्रुप, लेकिन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि किस तरह फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब वेक्टर ए का रेट ऑफ चेंज लें टाइम के लिहाज से तो वो इक्वल किस तरह बनता है मूविंग के अंदर प्लस ओमेगा क्रॉस ए। अल्लाह हाफिज़।